नमस्कार दोस्तों, इन्फो शिक्षा में आज हम बात करने जा रहे हैं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2018 के बारे में। पहले आप भी तो एक झलक देख लीजिए कि कौन बना है इस वर्ष का जो है मिस यूनिवर्स 2018, किसके जो है सर पर जो है मिस यूनिवर्स का जो है ताज आया है। इमेज में आपने देख लिया। अब आइए बात करते हैं इससे जो है एक एक पॉइंट पे किसका जो है आयोजन कहां पे हुआ। अगर आयोजन की बात करें तो आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ और इसका खिताब फिलीपींस की कैटियोना ग्रे ने जीता और ये फिलीपींस की चौथी ऐसी महिला है जो मिस यूनिवर्स का जो है खिताब जीता है। 24 साल की ग्रे का जन्म केरल में हुआ और इनके पिता ऑस्ट्रेलियन और माता फिलीपींस की है। इस प्रतियोगिता में कुल 94 देशों ने प्रतिभाग किया। दूसरा जो है स्थान साउथ अफ्रीका की तमारिन ग्रीन को जो है मिला है। तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो वेनेजुएला की स्टेफनी गुतिरेज को जो है मिला है। आइए चर्चा कर लेते हैं कि भारत की जो है तरफ से जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2018 में कौन प्रतिभाग किया। अगर नाम हम देखें, नेहा चुड़ासमा ने भारत की तरफ से जो है प्रतिभाग किया, लेकिन ये अंडर 20 में भी जो है स्थान बनाने में जो है असफल रही। कौन से सवाल ऐसे हैं जो टॉप 5 में पहुंचने के बाद कैटियोना ग्रे से जो है पूछा गया। आइए सवाल की चर्चा करते हैं कि इनसे पूछा गया कि कनाडा हाल ही में गांजा को कानूनी तौर पर लीगल बनाने के लिए उरुग्वे के साथ आया, गांजे को कानूनी मान्यता देने पर आपके विचार क्या है। तो ग्रे का जो है जवाब ये था कि अगर ये मेडिसिन के जो है तौर पर प्रयोग किया जाता है इसको जो है लीगल कर देना चाहिए, लेकिन अगर मनोरंजन के तौर पर गांजे का इस्तेमाल हो रहा है तो इसको जो है मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। टॉप 3 में जब ये पहुंची तो इनसे जो है अगला जो है सवाल क्या था, इनसे पूछा गया कि ऐसा सबक जो आपने अपने जीवन में सीखा हो मिस यूनिवर्स के तौर पर आप जो है क्या जो है संदेश देना चाहेंगे। इनका जवाब था, मैंने मनीला में टोंडो में फैले स्लम में काफी समय काम किया। यहां पर रह रहे लोगों के जीवन में गरीबी और के अलावा उदासी भी है। मैंने अपने को यही सिखाया कि हर जगह पर कुछ सुंदरता होती है, उसको तलाश मैंने किया। वहां के बच्चों के चेहरे पर वही सुंदरता मैंने देखी और मिस यूनिवर्स बनने के बाद अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनके लिए काम करूंगी, उनके शिक्षा के लिए बेहतर जो है सुविधा प्रदान कर पाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा। आइए इनके जो है ड्रेस जो इनका रेड कलर का है इसको इसका भी जो है एक रीजन है कि इन्होंने जो है लाल रंग की जो है ड्रेस गाउन क्यों पहना। फिलीपींस का एक अल्बाई प्रांत है,
एल्बाई प्रांत में जो है एक मायोन ज्वालामुखी है, उसी जो है मायोन ज्वालामुखी से इनका ड्रेस जो लाल कलर का है वो जो है प्रेरित था। तो दोस्तों आपको जो है मैंने मिस यूनिवर्स 2018 पर कुछ महत्वपूर्ण जो है जानकारियां दी। यदि आपको जो है ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप जो है लाइक करना, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें इसकी जानकारी आपको जो है तुरंत मिल जाए। दोस्तों ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।